भारत ने कोई राजनीतिक या भौगोलिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी है। हम किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करते, बल्कि उस देश के लिए उसके साथ मिलकर उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनका विकास करते हैं। भारतीय भूभाग में हजारों साल से विविधता के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का सीधा नतीजा यह है कि हम मल्टी कल्चरल संसार में, मल्टी पोलर विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र, विविधता का सम्मान, सौहार्द और समन्वय, सहयोग और संवाद से सभी विवादों और दरारों को मिटाया जा सकता है। शांति, स्थिरता और विकास के लिए यह भारत का जांचा हुआ, परखा हुआ नुस्खा है। यही नहीं, आप प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द गुड न्यूज इन एन अदरवाइज स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फ्लक्स। एन इंडिया वेर इनॉर्मस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट हार्मोनियसली विल ऑलवेज बी यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग फोर्स। अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ही नहीं, भारतीय मानस ने, भारत के चिंतकों ने, ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सब प्रसन्न हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो और किसी को दुख ना मिले, यह सपना हजारों साल से देखा है। और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, इस अपने को, सपनों को साकार करने के लिए रास्ता भी दिखाया है और रास्ता भी बड़ा सरल है अगर तय करें तो। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्विनाम वधीयमस्तु मा विद्विषावहै। इस हजारों साल पुरानी भारतीय प्रार्थना का अभिप्राय है कि हम सब मिलकर काम करें, मिलकर के चलें, हमारी प्रतिभाएं साथ साथ खिले और हमारे बीच कभी भी द्वेष न हो। पिछली शताब्दी के महान भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम की कल्पना की, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। आइए हम मिलकर एक ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम बनाए जहां सहयोग और समन्वय हो, डिवाइड और फ्रैक्चर को जगाना हो। आइए हम सब साथ साथ दुनिया को उसकी दरारों और अनावश्यक दीवारों से मुक्ति दिलाएं।